हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ का कोई भी क्वेश्चन आए तो इसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है, जो कि मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। उसके बाद अगर किसी स्टोरी पर्टिकुलर स्टोरी के बारे में पूछा जाए तो हर स्टोरी का आपने लिखना है, और अगर वो थीमेटिक कंसर्न पूछे तो आपको सभी स्टोरीज में से थोड़ा थोड़ा लिखना है। तो ये अब मैं इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ बुक में से इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ नाम की जो स्टोरी है उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। उस क्रिटिकल एप्रिसिएशन है कि उसमें क्या कुछ दिखाया गया है। तो आपको मैं बता दूँ कि इसमें मिस्टर एंड मिसिज दास एक कपल है और मिस्टर कापसी उनके ड्राइवर हैं। तो उनके बारे में बताया है कि मिस्टर और मिसिज दास हैं वो अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन है और इंडिया में घूमने आए हैं वो एक टेम्पल कोणार्क टेम्पल अपने बच्चों के साथ। तो उनके जो क्या एक्शंस रहे यहाँ पे आके, उन्होंने क्या देखा, वो सब कुछ इसमें बताया गया है। तो अगर इस स्टोरी के बारे में आ जाए तो आपको इंट्रोडक्शन और उसके बाद ये आपको लिखना है सारी चीज़ें। क्या द टाइटल स्टोरी ऑफ द बुक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज प्रेजेंट्स द इंडियन सेटिंग, यानी इसकी सेटिंग है वो इंडिया में है। तो मिस्टर एंड मिसिज दास जो कि इंडिया के रहने वाले थे लेकिन अब अमेरिका में रह रहे हैं, वो इंडिया आए हैं, तो इंडिया की सेटिंग है इसमें। एक इंडियन फैमिली है जो कि अमेरिका में रहती है लेकिन इंडिया में आई है, किस लिए, हॉलीडे मनाने के लिए और कोणार्क टेम्पल को देखने के लिए। उसके बाद है कि सेंट्रल कैरेक्टर्स आर मिस्टर कापसी, मिस्टर एंड मिसिज दास एंड देयर चिल्ड्रन। तो ये चार पांच हैं जो इस कहानी के कैरेक्टर हैं, जिसमें मिस्टर कापसी सेंट्रल में फेमस कैरेक्टर है और मिस्टर एंड मिसिज दास एक कपल है और उनके बच्चे हैं। तो मिस्टर कापसी हैं वो एक कैब ड्राइवर है और इंटरप्रेटर इन ए क्लिनिक है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ का मतलब क्या होता है, मेलोडीज़ एक तरह से आप ये कह सकते हो बीमारियाँ, और उनका इंटरप्रेटर वो क्या हैं, जो मिस्टर कापसी है वो एक तो कैब चलाता है या ड्राइवर है, लेकिन साथ में वो एक क्लिनिक में काम भी करता है। क्लिनिक में काम क्या करता है, उसको एक डॉक्टर ने रखा हुआ है ट्रांसलेट करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, कि कोई भी किसी दूसरी लैंग्वेज का कोई पेशेंट आएगा तो आपने उस पेशेंट की बीमारी सुननी है और मेरे को बतानी है, इंटरप्रेट करना है कि उसको क्या बीमारी है और फिर डॉक्टर को बतानी है। डॉक्टर हो सकता है किसी दूसरी लैंग्वेज का हो, तो इसलिए उसने इसे मिस्टर कापसी को इंटरप्रेटर के रूप में रखा हुआ है। झुंपा लहरी एज ए राइटर ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी ब्यूटीफुल प्रेजेंट द डिलेमा पेन सफरिंग ऑफ आर कैरेक्टर। तो झुंपा लहरी ने इस स्टोरीज़ के थ्रू, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल क्या है राइटर है, तो उसने बहुत अच्छी तरीके से इंसान का जो डिलेमा पेन सफरिंग है ये अपने कैरेक्टर्स के थ्रू दिखाया है। डिलेमा का मतलब दुविधा, मन में दो चीज़ें होना, कोई चीज़ फिक्स ना कर पाना, दुख है, सफरिंग, परेशानियां हैं, ये सारी चीज़ें अपने कैरेक्टर्स के थ्रू दिखाई हैं। और ये कैरेक्टर कौन है, यहाँ पर मिस्टर कापसी है और मिस्टर और मिसिज दास है। इन द स्टोरी सी फोकसेस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी लाइफ के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं वो दिखाए हैं उसने, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं। जैसे मिस्टर एंड मिसिज दास अपीयर एज गुड कपल बट देर इज़ अ ग्रेट गैप बिटवीन देम, ये दिखाया गया है कि मिस्टर एंड मिसिज दास ऐसे लग रहा है कि अच्छे कपल हैं लेकिन उनके दोनों के बीच बहुत बड़ा गैप है। गैप किस चीज़ का है कि वो इंडिया की तरह अब एक दूसरे को अपने इमोशंस हैं वो जल्दी बता देते हैं, यानी वो छुपा नहीं सकते हैं अपने दुख दर्द हैं, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फ्रैंक हैं, तो उनमें वो कनेक्शन नहीं है जो इंडिया वाले कपल्स में होता है। दे आर वांडरिंग बिटवीन टू कल्चर्स, लुक इंडियन बट ड्रेस्ड अमेरिकन, यानी कि वो दो कल्चर्स के बीच क्या है, घूम रहे हैं, दो कल्चर्स के बीच वांडर कर रहे हैं, यानी उनको समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा कल्चर है उनका अपना कल्चर, क्योंकि इंडिया से वो गए हैं अमेरिका में रह रहे हैं, तो ना तो वो इंडियन कल्चर को पूरी तरह से फॉलो कर पा रहे हैं ना अमेरिकन कल्चर को, यानी वो लग तो इंडियन जैसे हैं लेकिन ड्रेस उन्होंने अमेरिकन जैसी डाल रखी है, लेकिन उन्हें अपनी खुद की आइडेंटिटी का पता ही नहीं है कि असल में वो इंडियन हैं या अमेरिकन। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज में जो बताती है। मिस्टर कापसी इज सॉन्ग एज एन एपिटोम ऑफ इंडियन कल्चर वाइल मिस्टर एंड मिसिज दास एज एन अमेरिकन। तो मिस्टर कापसी को यहाँ पे इंडियन कल्चर का प्रतीक माना गया है और मिस्टर एंड मिसिज दास को अमेरिकन कल्चर का प्रतीक माना गया है इस स्टोरी में। व्हेन द चिल्ड्रन सी मंकी दे कॉल इट मंकी बट मिस्टर कापसी सेज दैट देयर इज दे आर ह्यूमन। अब अपने इंडिया में क्या है कि हम किसी बंदर को देखते हैं या किसी ऐसे जानवर को देखते हैं जिनकी जो जिनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं भगवान को, जैसे बंदर को हम हनुमान का रूप मानते हैं, तो अमेरिका में तो बंदर को वो बंदर बोलते हैं लेकिन हम यहाँ बंदर को बंदर नहीं ऐसे बोलते हैं कि ये हनुमान जी हैं या कोई भी चीज़ है। तो मिस्टर एंड मिसिज दास के बच्चे जब एक बंदर को देखते हैं तो वो कहते हैं वो देखो मंकी है, लेकिन हम यहाँ पर इंडिया में
हम इंडिया में क्या कहते हैं, ये बंदर नहीं है, ये हनुमान जी का रूप है। तो ऐसे ही स्टोरी में जब मिस्टर एंड मिसेस दास के बच्चे बंदर को बंदर बोलते हैं तो मिस्टर कापसी कहता है नहीं, ये हमारी तरह ह्यूमन बीइंग है, आप इनको बंदर मत कीजिए बोलिएगा। तो यहाँ पे लहरी है वो रिलीजियस आस्पेक्ट्स बताती है स्पेशली हिंदूज के, कि वो बंदर को क्या है गॉड का सिंबल मानते हैं, जबकि जो अमेरिकन हैं उनके लिए बंदर है कि सिर्फ एक जानवर है, बंदर है और कुछ भी नहीं है। तो इंडिया और अमेरिका का जो कल्चर है उनमें जो क्लैश है, उनमें जो डिफरेंसेस हैं, वो हमें स्टोरीज के थ्रू बताए गए हैं। अब फिर और कौन सा एस्पेक्ट दिखाया गया है, रिलेशनशिप बिटवीन मिस्टर एंड मिसेस दास इज टोटली डिफरेंस फ्रॉम इंडियन हस्बैंड एंड वाइफ। तो जो मिस्टर एंड मिसेस दास की जो रिलेशनशिप है वो इंडियन हस्बैंड वाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे, इंडिया के हस्बैंड और वाइफ है वो एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स और इमोशंस बताते नहीं हैं, लेकिन वो उनमें अटैचमेंट बहुत अच्छी होती है। कहने का मतलब हमारे यहाँ इंडिया में हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को अपनी फीलिंग नहीं बताएंगे, वो बताएंगे नहीं कि हमें ये परेशानी है, या वाइफ है वो बताएगी नहीं कि मैं इस घर में ये परेशानी का सामना कर रही हूँ, लेकिन उनमें जो एक बॉन्ड होगा ना, अटैचमेंट होगी, बहुत ज़बरदस्त होगी। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वो क्या है फ्रेंकली अपने इमोशंस फीलिंग एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन उनकी जो अटैचमेंट है वो बिल्कुल ही सही नहीं होती है। और अमेरिका में चिल्ड्रन भी, जो बच्चे हैं वो भी अपने माँ बाप से ऐसे बात करेंगे जैसे कि उनका बड़ा भाई है, और जैसे एक भाई बहन बात करते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, माँ बाप से बच्चे हैं वो बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं। और इस स्टोरी में कोणार्क टेम्पल के रिलीजियस एस्पेक्ट्स भी दिखाए हुए हैं कि हम लोग हैं वो मंदिर हैं, वो उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज़ नाम की स्टोरी की इंटरप्रिटेशन आ जाए तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी हैं, लेकिन जो इंट्रो वाला पोर्शन है वो सबसे पहले लिखना है। तो बच्चों आपको इस जो यूनिट है इसमें से दो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो, दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, जैसे अगर एक क्वेश्चन दो स्टोरीज का आएगा तो दूसरा क्वेश्चन दो स्टोरीज का आएगा, तो आप इंट्रोडक्शन सेम रख सकते हो और जो स्टोरीज़ हैं उनकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।